सब्सक्राइब करें अनायत क्रिएशन एकेडमी को और पाएं लेटेस्ट एंड इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपको मोबाइल और लैपटॉप में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दोस्तों आज मेरा जो ट्यूटोरियल है वो पेमेंट मेथड के बारे में है, कि हम वेस्टर्न यूनियन का पेमेंट मेथड उसको कैसे ऐड कर सकते हैं गूगल एडसेंस के अंदर। बिकॉज इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर सबसे जो बेस्ट मेथड है अपनी अर्निंग को कैश आउट करवाने के लिए गूगल एडसेंस से, वो सबसे बेस्ट मेथड है वो वेस्टर्न यूनियन मेथड है। अब वेस्टर्न यूनियन मेथड को यूज़ करते हुए अपनी अर्निंग ईजिली आप कैश आउट करवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। वेस्टर्न जो पेमेंट मेथड होता है, वेस्टर्न यूनियन का जो पेमेंट मेथड होता है वो बहुत ही ईजी होता है। उसके अंदर आपको CNIC जो सा आपका CNIC है उसमें आपका एक होता है फर्स्ट नेम और एक आपका होता है लास्ट नेम, इसकी ज़रूरत पड़ती होती है। मतलब ये है कि अगर आपने अपनी अमाउंट को कैश आउट करवाना है तो उसके अंदर किसी भी, अगर आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ, आपकी एज कम है, तो आप अपने अब्बू का, अपने सिस्टर्स का, जिनका यानी कि शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, तो उसके नेम से जो उनसा है अब वेस्टर्न यूनियन मेथड जो उनसा है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसके ज़रिए इजीली आप अपनी अर्निंग जो उनसी है वो कैश आउट करवा सकते हैं। लेकिन कैश आउट करवाने के लिए आपके अमाउंट जो उनसी है थ्रेश होल्ड पर लगती है। जब आपके अमाउंट आपके यानी कि जब भी आपके एडसेंस अकाउंट के अंदर $100 होते हैं तो फिर वो आपको थ्रेश होल्ड का ऑप्शन दे देता है कि आप अपने $100 से जितने भी आपके अमाउंट बनते हैं वो आप कैश आउट करवा सकते हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं मैं क्या करता हूँ। यहाँ पे गूगल एडसेंस लिखता हूँ, राइट, गूगल एडसेंस, ठीक है। तो ये लिंक है, मैं इसको खोलता हूँ। मैं इस पे साइन इन पे क्लिक कर देता हूँ, राइट, ओके। तो साइन इन पे क्लिक करने किया है तो मेरा जो सा गूगल एडसेंस वो ओपन हो रहा है उसका होम पेज, ठीक है। अब देख सकते हैं स्लैश होम, उसका मतलब होम पेज शो हो रहा है। अब यहाँ पे देखें कि मेरा जो बैलेंस है वो इस वक्त जो सा है $11.22 जो सा है वो शो हो रहा है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं एक पेमेंट मेथड यहाँ पर सेलेक्ट करूँ ताकि जब भी आपके $100 हो जाएं, तो जब भी मेरे अकाउंट में आपके अकाउंट के में $100 हों तो वो अमाउंट थ्रेशोल्ड पे लग जाए, और जब भी यानी कि अमाउंट आपकी आती है 12 तारीख को आपकी अमाउंट आपके अकाउंट में शिफ्ट हो जाती है, और कैश आउट के लिए वो ऑप्शन दे देता है तकरीबन 26-28 दिनों के अंदर, यानी कि वह आपकी आपको ईमेल आ जाती है। उस ईमेल के अंदर एक आपके पास एक आई थिंक TNT नंबर होता है जो गूगल एडसेंस की तरफ से होता है, वो TNT नंबर और आपके शनाख्ती कार्ड की कॉपी ये ले जाके बैंक वालों को देनी पड़ती है, और आपका कैश इजीली जो उनसे है वो आपके हाथ में दे देते हैं। तो पेमेंट मेथड को मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे देखें बैलेंस के साइड पे 3 पॉइंट है, इस पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखें व्यू पेमेंट्स, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो उनसे वो पेमेंट का पोर्शन है वो खुल रहा है यहाँ पर, जितनी देर ये नहीं खुलता मैं तुम्हें मैं आपको बताता हूँ। ये ACM टेक वर्ल्ड मेरा ग्रुप है, मैंने ग्रुप क्रिएट किया है जिसके अंदर मुख्य तरह के यानी कि वीडियो एडिटिंग रिलेटेड ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत अच्छे से जो उनसे प्यारे भाई दोस्त वो यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, और किसी भी तरीके से आपको हेल्प चाहिए ग्राफिक्स के रिलेटेड या किसी भी वीडियो एडिटिंग रिलेटेड, आप यानी कि इस ACM टेक वर्ल्ड पे जाके आप ज्वाइन करें हमें, और आप हाँ यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। मैं भी यहाँ पे होता हूँ, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे भी डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, PM कर सकते हैं। तो गूगल एडसेंस में मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे देखें मैंने अभी तक कोई भी पेमेंट मेथड जो उनसे वो चूज़ नहीं किया। अब ये देखें यू अर्निंग,
देखिए ये जो ब्लू एनर्जी टाइप जो उनकी एक लाइन है तो ये बता रही है कि ये आपकी 11% जो उनसी थ्रेशोल्ड पे लगी है। ये उस वक्त ही यानी कि मैं इसको कैश आउट करा सकता हूँ जब इसके $100 जो उनसे वो हो जाएंगे। तो एक और भी मेथड है कि अगर आप $11 को निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपना अकाउंट बंद करवाना पड़ता है। बहरहाल मैंने अकाउंट क्यों बंद करवाना है क्योंकि मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं पेमेंट मेथड को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, ऐड पेमेंट मेथड। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ओके। तो जब इस पर क्लिक करूँगा तो वो आपसे पूछेगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम्स, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए जब पेमेंट पे क्लिक करिए तो आपके पास तीन ऑप्शन हैं पेमेंट मेथड को चूज़ करने के लिए। एक तो ये कि ऐड अ वेस्टर्न यूनियन अकाउंट आप ऐड कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे ऐड न्यू वायर ट्रांसफ़र डिटेल्स, मतलब आप बैंक अकाउंट जो है वो यानी कि यहाँ पे जो है वो बैंक अकाउंट की यानी कि आप अगर आप अगर पेयोनियर का कार्ड बनाओ तो आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे है ऐड न्यू चेक डिटेल्स, मतलब आपको यानी कि चेक की फॉर्म ऐड अ न्यू डिटेल, तो यहाँ पे क्लिक करके आप कोई न्यू डिटेल ऐड कर सकते हैं। बहरहाल मुझे वेस्टर्न यूनियन मेथड बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं इसे अर्निंग करवा चुका हूँ, बहुत आसान है और आपके लिए भी बहुत आसान होगा। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये आपसे कह रहा है कि जो CNIC आपका नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है उसके ऊपर जो भी आपका नाम लिखा होता है वो यहाँ पर पुट करना होता है अपने, ओके। तो मैं यहाँ पर अपना पेमेंट मेथड यानी कि जो मेरा शनाख्ती कार्ड पर नाम है वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। SAQIP साकिब और ANYT, ठीक है। तो ये मेरे शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो नेम है साकिब, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम क्या अनायत, आई एग्री दैट आई हैव अ गवर्नमेंट इशूड ID एंड मैच द फर्स्ट एंड लास्ट नेम अबव, आई एम ऑथराइज टू रिसीव दिस पेमेंट। तो वो यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप ये आपको टर्न सके गवर्नमेंट से जो सा आपको यानी कि एक आईडी कार्ड इशू किया गया है क्या उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यही है, तो और यानी कि मैं इसके लिए यानी कि बिल्कुल ठीक हूँ मुझे मिलने चाहिए, तो यहाँ पे आप इसके एग्रीमेंट को चेक कर दें तो ये एग्रीमेंट जो सा वो चेक हो जाएगा और मैं यहाँ पर इसको सेव कर देता हूँ। तो जब भी यानी कि 25 से 26 तारीख को जब आपकी यानी कि अमाउंट $100 से अबव हो जाती है तो वो आपके यानी कि 25 से 26 तारीख को आपको ईमेल आ जाती है, उसमें एक TNT नंबर होता है जो गूगल एडसेंस की तरफ से होता है, तो उसके ज़रिए जो उनसे आप अपने अमाउंट जो उनसे कैश आउट करवा सकते हैं। तो ये कह रहा है चूज़ द पेमेंट मेथड, देखें नो प्राइमरी मेथड सेलेक्टेड, तो मैं यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद फिर दोबारा जाता हूँ और इसको यानी कि होता है प्राइमरी और सेकेंडरी होता है, मतलब यहाँ पे दो तीन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं आप यानी कि उसमें जब आपका दिल करे एक मेथड से करवानी है दूसरे मेथड से, ठीक है। जैसे फर्स्ट ये होता है प्लान है प्लान बी, तो यहाँ पे मैं इसको प्राइमरी कर देता हूँ, ठीक है। तो प्राइमरी का मतलब ये होता है कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी यानी कि आप अमाउंट निकालेंगे सबसे पहले ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह यानी कि जो उनसे है आप अपने यानी कि गूगल एडसेंस अकाउंट में जाके अपने पेमेंट मेथड को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल ये होगा कि हम अपनी एस्टिमेटेड अर्निंग जो उनसी है वो कैसे चेक आउट कर सकते हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, थैंक्स वेरी मच।